चाकू छुरी तलवार से अगर लड़ाई लड़ी जाती थी तो हम सभी उस चाकू छुरी तलवार से हमें न्याय नहीं मिलता था। दोस्तों आज का दौर यह है कि एजुकेशन हमें हथियार बनाना चाहिए और एजुकेशन के ज़रिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसी लड़ाई बहुत सारे लोगों ने लड़ी, तब भी हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। आज हमें हमारे सामने हमारे पीछे ये संविधान के कानून है और हम आज भी जिंदा है और हम आज जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान के बदौलत कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के दौर में हमें ना चाकू लेनी है, छुरी लेनी है, ना कुछ, हमें सिर्फ एजुकेशन, इस पढ़ाई को हथियार बनाना है और इस दौर पे चलना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैं बताना चाहता हूँ सबको कि यह वीडियो इस वीर की कहानी है, इस योद्धा की कहानी है जिसने कभी ना बंदूक पकड़ी ना तलवार चलाई, फिर भी वो देश के लिए बहुत बड़ा करके चला गया। दोस्तों ऐसे ही आदमी थे जिन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक नहीं ली, लेकिन ऐसी लड़ाई लड़ी, एजुकेशन की लड़ाई लड़ी जिसमें हो सकता है हम कभी लड़ ना पाएंगे और ऐसा हम कभी सोच भी ना पाएंगे। इतनी बड़ाई लड़ाई लड़ी और वो इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पन्नों में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं है, या किसी वीडियो में नहीं है, या किसी डायरेक्टर ने इसको बताने का प्रयास नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बोलना चाहता हूँ इस शख्स के बारे में जिस शख्स ने संविधान सभा में आदिवासी के नाम का एक नारा लगाया, आदिवासी के लिए। अगर आदिवासी इस दुनिया का है और संविधान बनाने के पहले जब जयपाल सिंह मुंडा इस शख्स का नाम है और ये शख्स ने देखा कि संविधान बनाने के पहले अगर गांव से जंगल में खदेड़े जाते हैं तो वो आदिवासी है, तो अगर वो आदिवासी को और संविधान बनाया जा रहा है जो सबको समान दर्जा देने की बात हो रही है, तो दोस्तों उस वहाँ पे इस जमीन का मालक, इस देश का मालक आदिवासी को भी समान न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए संविधान सभा समाज में आवाज उठाने वाले शख्स थे जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, गोल्ड मेडलिस्ट थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएट भी किया था। तो दोस्तों आइए उनके बारे में जानते। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल कन्ना के अलावा चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों चलिए इस महान नायक, इस क्रांतिकारी, इस योद्धा के बारे में जानते, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस महान शख्स का जन्म 3 जनवरी 1903 में हुआ था और ये झारखंड में पैदा हुए थे। दोस्तों इसके पहले झारखंड ये राज्य, इसका नाम अलग था, उसके बाद इसको झारखंड बना दिया गया। बिरसा मुंडा के बाद का ये शख्स मुंडा परिवार और गरीब परिवार से आता है। इसके बाद में गांव की पाठशाला में इनकी एजुकेशन होती है, उसके बाद इनकी प्रतिभा और इनकी बुद्धिमत्ता देख के उनको मिशनरी स्कूल में डाला गया और मिशनरी स्कूल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का जो सफ़र है इन्होंने ये तय किया अपने बलशाली बुद्धि से। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जब देखा कि यह पढ़ाई में तो कुशल थी लेकिन खेल कूद में भी माहिर थे, इनको बोला जाता है कुशाग्र बुद्धिमत्ता वाला लेखक, राजनीतिज्ञ और खिलाड़ू, जो खिलाड़ी खेल खेलते, तो इनका एक फेवरेट खेल था वो था हॉकी। आपको दोस्तों मालूम नहीं है या बहुत सारे भारतीय लोगों को मालूम नहीं है कि हॉकी में 1928 में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जयपाल सिंह मुंडा थे, तब उन्होंने टीम इंडिया का कप्तान यह पद भुषवाया था और जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने गोल्ड मेडल लाया था तब वो उनका डिफेंडर ऐसा पद था। जयपाल सिंह मुंडा के कैप्टनशिप में भारत ने 1928 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद जब टीम इंडिया की लीड कर रहे थे तब 17 कुल मिला के 17 मैचेस हुए थे और 17 मैचेस में से 16 मैचेस इंडिया ने जीते थे और 17वीं मैच ड्रॉ हो गई थी। तो दोस्तों ये तो था जयपाल सिंह मुंडा का खिलाड़ी करियर। तो चलिए उसके सामाजिक करियर के बारे में जानते हैं। जब जयपाल सिंह मुंडा इंडिया आए, इंडिया आने के बाद उन्होंने देखा कि आदिवासी समाज क्या है, कैसा है, संविधान सभा में उनको जाने का एक मौका मिला आदिवासी समाज की तरफ से, और वो जब गए और उन्होंने जब दौरा किया, राजेंद्र प्रसाद जी को भी उन्होंने लेटर लिखा था लेकिन उसका कोई खास उत्तर नहीं आया, तो उन्होंने जब आदिवासी एरिया का या झारखंड राज्य का जब उन्होंने दौरा किया तब उन्हें लगा कि यह समाज
बाकी समाज को जैसे ही खितपत पड़ाए जो कि मूल निवासी है। तो उन्होंने यह ठान ली कि अब वो राजनीति में जाएंगे और राजनीति का अच्छा खासा अभ्यास उनके पास था और वो राजनीति में गए, संविधान सभा में गए, वहाँ पे आवाज़ उठाई कि आदिवासी इस देश का मालक है, चालक है, तो उसको भी समानता मिलनी चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को उन्होंने सुझाव दी है और उनके सुझाव के तहत संविधान में आज आदिवासी का एक वजूद है, आदिवासी को आरक्षण मिला है और आदिवासी आज अपने दम पर, अपने बलशाली दम पे वो पढ़ाई कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा ऐसा एक नाम है जिन्होंने कभी भी तलवार नहीं पकड़ी, लेकिन पढ़ाई का जो भी शस्त्र है, जो भी एजुकेशन का शस्त्र है, वो एजुकेशन के शस्त्र के आधार पर उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज हमें उनका नाम तक मालूम नहीं है। दोस्तों, ये बताने का मेरा एक मकसद है कि जयपाल सिंह मुंडा जैसे अनेक नाम इस दुनिया में गुमनाम है जिन्होंने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ लोगों के कानों तक पहुंची ही नहीं। दोस्तों, ऐसे कई शख्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी लोगों के भले के लिए और हमें मालूम भी नहीं है कि वो कौन है। जयपाल सिंह मुंडा की आप जयंती मत करना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आज से चालू कर दो जयपाल सिंह मुंडा की आप जयंती मत करो, पुण्यतिथि मत करो, आपको टाइम नहीं है ना, लेकिन उसके बारे में जान लो। विकिपीडिया पे है, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं यहाँ पे, बहुत लोग बताते हैं, उनको जानो, जयपाल सिंह मुंडा को दिल से मानो, तब जाके हम जयपाल सिंह मुंडा के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अगर वो हॉकी प्लेयर थे तो उनकी ज़िंदगी बाकी जब इंडिया में आए तो बाकी की ज़िंदगी उनकी खुशहाली से कट सकती थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने एजुकेशन का इस्तेमाल सही रास्ते पे किया और आज हमें ये दिन दिख रहा है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा शख्स है जिनको हम, ये आदिवासी समुदाय नहीं भूल सकता और ये एक ऐसे सदस्य है, संविधान सभा में आदिवासी के 6 सदस्य रहने के बाद भी एक ऐसे सदस्य है जिन्होंने आदिवासी के लिए आवाज़ उठाई। तो दोस्तों, आज जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जितना भी मैंने बताया है, दोस्तों आपको कहीं भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करते हो तो आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इंफॉर्मेशन देने का मेरा कंटेंट नहीं है, आप समझ सकते हो। जयपाल सिंह मुंडा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस धरती पे गुमनाम है, उसको सामने लाना है, लोगों को बताना है, उसको दिल में रखना है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी के लिए एक प्रेरणा स्थान थे और आज भी इस देश का तरुण युवा उनको मानता है, क्योंकि एक खिलाड़ी के रूप में या खिलाड़ी के रूप में उनको तो सब मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी राजनीति वाले काम किए, जो लेखक वाले काम किए, उसके लिए भी वो गौरवशाली है और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और अगर आप जयपाल सिंह मुंडा के बारे में और जानना चाहते हैं या उनके थॉट, तो आगे वाले वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा कि उनके थॉट क्या थे, उनके विचार क्या थे आदिवासियों के बारे में, और थॉट का एक वीडियो मैं आपको बना के यहाँ पे पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय आदिवासी, जय।